अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी दिन से जो है मिनी जू गंदा भी हुआ हुआ था और अकेले मुझसे सफाई नहीं हो रही थी। फिर मैं आप लोगों को बताया कि बंदे का इंतज़ार करता हूं, वो तो गया हुआ था अपने भाई की शादी में, फुल घूम फिर के आ गया। मेरे को अकेले यहाँ फंसाया हुआ था, डुम्बी मछलियाँ ये सारी परिंदे वरिंदे अकेले फंसा हुआ था, सफाई भी। तो ये कि अब वो आया तो आज मैं उसको पकड़ के ले आया हूँ। तो ये देख लें, ये इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? इब्राहिम, तेरे से बहुत शिकवे शिकायत हैं, बहुत दिन तू घूमा फिरा है और मेरा ख्याल भी ना चाहिए ना घूमना चाहिए, सफाई नहीं हुई हुई थी और सारी चीज़ें मेरी तरफ संभालने के लिए रही थी, अकेला नहीं संभल रहा था मैं तो। रहमान वैसे ही काम पे लग गया, तुम्हें पता है काम करता नहीं है। मैं आ गया हूँ, मैं आया हूँ, सफाई वफाई बिल्कुल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ी रह गई है। तो मैं क्यों ना मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर दूँ, और वीडियो भी स्टार्ट कर दिए और इब्राहिम को थोड़ी चीज़ें भी दिखाई हैं। इब्राहिम देख ली मुर्गी और अभी एक लेके आया, वो भी रखना है सरप्राइज़, बताएंगे थोड़ी देर में। नहीं नहीं तो अभी बताएंगे, वीडियो के एंड में बता देंगे। अभी जोड़ों का बता देते हैं कि जोड़े हमने लगा दिए हैं, इस तरह पेटियाँ लगा लगा के दो दो जोड़े करके लगा दिए हैं। एक ये जोड़ा लगा दिया है, एक ये वाला है, ये जो मेरा पट्ठा निकला होता है मादी थी इसके साथ ये नर लगा है, समझे कि जोड़े तैयार हो गए, दो दो जोड़े करके लगाएँ। और यहाँ जो है सारे पट्ठे रखे हुए, ये चार अंदर वाले और जो दो बाहर के पट्ठे थे वो रखे हुए। इसके अलावा यहाँ पे भी छह कबूतर हैं, यहाँ जोड़े नहीं लगाए, यहाँ पे जोड़े लगा दिए दो, यहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी शिफ्ट कर दिए इस मादी ने, तो अंडे माशाल्लाह दोबारा दे दिए और दोनों अंडे दे दिए। मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया था क्योंकि व्लॉग बना ही नहीं रहा था मैं, तो इस मादी ने माशाल्लाह दोबारा अंडे दे दिए और दो इसका बच्चा मैंने अलग कर दिया था। और अब यहाँ पे मैंने पेटियाँ लगा के जोड़ों की सेटिंग बना दी और ये मिल बांट के रह रहे हैं। और इसके अलावा जो इसके नीचे भी जो है इसके अलावा इधर भी बच्चा था वो मुर्गी ने खा लिया है, और ये इस मादी के साथ इस नर को लगाया और एक ये जोड़ा लगाया, यहाँ पे भी दो जोड़े लगा दिए। भाई ये वाला जोड़ा जो है ये मेरा सबसे अच्छा जोड़ा है, इसलिए इसको मैंने सिंगल ही रखा हुआ है। सबसे अच्छा इसलिए है कि इसका पट्ठे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, उड़ के आते, आज भी उड़ा हुआ था, उड़ के आ भी जाता है, घूम फिर भी रहा है और माशाल्लाह इसके दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हो गए और ये भी बाहर निकलते हैं और इसके बाद खुद अभी उड़ के वापसी भी आ रहे हैं। मतलब ये माशाल्लाह यहाँ पर सेट हो जाएंगे पूरा जोड़ा, ये नर मादी भी उड़ के आए हैं, बच्चे भी उड़ के आए हैं, तो अभी यहाँ पर समझे कि ये यहाँ के पक्के होते जा रहे हैं, इसलिए ये सबसे मेरा फेवरेट और अच्छा जोड़ा है। और इस जोड़े के पीछे तो जो है ये भी लगे हुए, आज भी मुझे बोलते हैं भाई एक हमारे दो पट्ठे जो हैं वो उड़ के आ गए, तो आपके यहाँ तो नहीं उतरे, तो वो ये वाला लाल वाला पट्ठा उड़ा था और ये वाला जो ऊपर बैठा हुआ है, तो ये दोनों उड़े थे। तो मैंने बोला नहीं तो बोला यार ये इस तरह, मैंने बोला ये दोनों मेरे अपने घर के ब्रीड हैं, पट्ठे दोनों अपने घर के ही उड़ते रहते हैं और आपको आज दिखें तो आप बोल रहे हैं इस तरह, बोले नहीं नहीं शर्मिंदा होकर चला गया था, वरना वो ये इस पर भी कब्जा करने वाला था। माशाल्लाह अभी जो है कबूतरों की बड़ी अच्छी सेटिंग होगी। ये कबूतर मेरा मेरे घर छोड़ गया यार, ये बोल रहे मैं क्या करूं यार, नहीं ये तो मेरे घर छोड़ गया, तो भाई ले जाए यार, तेरे को मना थोड़ी किए। तो भाई इब्राहिम अभी कैसा लग रहा है, नौ खाने कबूतरों के लिए सेट किए सही किए? एक में दो है ना, एक में दो जोड़े रख दी क्योंकि खाने बड़े थे और पिंजरा जब तक बनाऊँ वो बहुत डिले होता जा रहा था, सेटिंग बन भी नहीं रही थी अभी टाइम की भी, और फिर दूसरी सेटिंग भी नहीं बन रही थी, इसलिए जो है अभी यही रखा हुआ है। मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखे उसके अंदर भी इतने छोटे जगह को दिए जाते हैं। अच्छा के लिए। तो मतलब बेस्ट है जगह है। हाँ तो सही देने का जरूरत नहीं क्योंकि दिन में खुले हुए होते हैं। अभी रजा भी तो देगा कबूतर, ये मसला है, वो कबूतर कहाँ रखेंगे? रजा के बाद भी 10-12 जोड़े अभी जाने वाला है, वो मुझे सारे कबूतर दे जाएगा। अल्लाह मालिक है, कहीं ना कहीं जगह बना ही लेंगे। और उसके लिए पिंजरे की सेटिंग बनानी पड़ेगी, और ये जो है मैं इसकी सेटिंग देख ले मैं कल करूँगा, देख क्या ले कल आ जाना इसी टाइम पे, हम लोग दोनों मिलके करेंगे, ब्लॉक लगा के इसको फिक्स कर देंगे और उसके ऊपर तरपाल ताकि ना पानी जाने का और ना इसको हिला सके हम लोग, ये फिक्स हो जाए यहाँ पे और ये मुर्गियाँ यहाँ पे ताकि सेट हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना। और आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ जिससे मैं तंग आ गया था, ये यहाँ से मैंने हटा दिया, जो खरगोशों के लिए बना था सबसे बकवास फजूल आइडिया था मेरा और इब्राहिम का, इब्राहिम भी शाम आइडिया अच्छा था लेकिन हाँ और कामयाब भी नहीं हुआ ना यार, वो सुराख थे वो निकल रही थी मट्टी, वो बोरियां लगाई वो सारा उसने गंद किया हुआ था। अभी ये अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पे गमले लगा दिए, अब बाकी छोटे गमले थोड़े से यहाँ भी लगाऊंगा और एक वहाँ लगा के बाकी सारे यहाँ
और इंशाल्लाह बहुत जल्दी भाई ये बात बताओ, गमले बोल दिए, गमले में पौधे कहाँ हैं? वो लाने हैं अभी पौधे, मैंने एक आइडिया लगाया वो मैं सरप्राइज है, वो बहुत समझेगा जब पूरा कंप्लीट कर लूंगा फिर दिखाऊंगा वो चीज़। ठीक है, होने चाहिए तो आप गमले ही बोलो। नहीं नहीं पौधे नहीं, पौधे नहीं अभी, हाँ वही पौधे वाले गमले बना देंगे हम इसको बहुत जल्दी इंशाल्लाह। चले हम ये बाकी की हम सफाई करते हैं, उसके बाद जो आज लाया मैं चीज़ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सेटिंग बनाई है अभी, कुछ गमले यहाँ लगा दिए, अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी पौधे भी ला के लगाएंगे। इब्राहिम भी बोला है सिर्फ गमले ही हैं पौधे नहीं हैं, अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी बीज बीज ला के इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और ऐसे पौधे लगाएंगे जिससे फल फल बोल रहा हूँ, फल तो नहीं उग सकता, सब्जी वब्जी हाँ, नींबू हो गया, मिर्ची हो गई, धनिया पुदीना और ये करेंगे वो आपको बाद में बताएंगे, हमारे वो अभी नहीं यार बता नहीं, वो भी आइडिया है लेकिन हम आपको बाद में साथ साथ दिखाते जाएंगे। और अब इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और चलता हूं मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आज क्या लेके आ गया हूं। वैसे तो थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आजा भाई विनय तू भी। ये हम लेके आए सिल्वर स्प्रेड, छोटी मुर्गियों का मुझे बहुत शौक था और ये आज मिल गए। पर्स में एक फॉल्ट है, दो मुर्गियां लाए और एक मुर्गा, मुर्गे का जो है ना पैर पैदाइशी जो खराब है, जरा पकड़ ही फ्रेंड मुर्गे को पकड़, मुर्गे का पैदाइशी पैर ये इस तरह ही देख रहे हैं आप लोग, टेढ़ा है पैर यहाँ, हाँ ये पैर यूं टेढ़ा है, यूं टेढ़ा है। वैसे मुर्गा सब सही है, ये रहा आप देखो, हाँ ये देख रहे हैं आप लोग इस तरह इसका पैर, पर ये कि ब्रीडिंग के लिए भी सही है, अंडे वंडे मुर्गियाँ दे रही हैं। अभी जो है इनको हमने समझे कि रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू बोल रहा हूँ क्वारंटाइन किया हुआ इनको यहाँ रखा है, अभी कल परसों दो दिन को रखेंगे, देखेंगे अगर सही होंगे फिर इसके बाद वहाँ छोड़ेंगे। अभी इधर नहीं बंद करें, ले यार इसको इधर आगे कर मुर्गी को, यहाँ से एक काम करते हैं यहीं रहने दो, जाल को लगाओ यहाँ पे, बाहर में नहीं। अबे नहीं जाल को यहाँ नहीं लगाते, जाल यहीं लगाओ ना, अबे ये मादी बैठी है, अगर इसके अंदर कोई बीमारी हो नहीं डब्बे के अंदर है, चल अल्लाह मालिक यहां के बाहर बाहर जा रहे हैं, नहीं होगा एक काम करना इसको यहां से, इससे जगह तो नहीं, हाँ सही है, ये हमने जाली इसलिए लगा दी क्योंकि ये बार बार जो है ना यहाँ से बाहर जा रही है एक मादी, अभी यहाँ रहेगी, ये भी क्वारंटाइन है, इसको भी समझें कि दो दिन तीन दिन तक यहाँ रखेंगे, उसके बाद जो है इनको उनके साथ छोड़ेंगे ताकि इनके अंदर कोई बीमारी हो तो अभी पता चल जाए। पहले भी ऐसी छोटी मुर्गियाँ लाया था उनमें बीमारी निकली थी, फिर चूजे थे वो सारे मार दिए थे, मार के थे बीमारी ने समझो उन पर भी अटैक किया था, वो बच्चे नहीं थे मर गए थे। ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और हमारे चैनल मिनी जू को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।